हे गाइस, जब बात होती है आदतों की तो आदत ही वो चीज़ है जो हमारी लाइफ बनाती भी है और बर्बाद भी करती है। आपने ये तो सुना ही होगा, आज हमारी जो लाइफ है वो हमारी आदतों की वजह से है। लेकिन होता क्या है, जब हम अच्छी आदत बनाने की कोशिश करते हैं कुछ दिन तो हम बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सारा मोटिवेशन और एनर्जी फुस हो जाता है और जो आदत हम बनाना चाहते हैं वो हम छोड़ देते हैं या बिल्कुल भूल जाते हैं, वापस से पुराने रूटीन पर आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से आजमाया हुआ, वो क्या है, 5 मिनट रूल, जिसकी मदद से आप कोई भी अच्छी आदत आसानी से बना सकते हो। बस आपको थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत होगी इसके लिए। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। और अगर पुराने हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमें अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के थ्रू। हर हफ्ते या 15 दिनों के बाद शमशेर को लगता था कि उसे अपने लाइफ में चेंजेज लाने चाहिए, तो शेप में आने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देता था। वो बुक्स पढ़ता और मेडिटेशन करने की भी कोशिश करता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो इसे अपनी हैबिट बनाएगा। उसके कुछ दिन तो बहुत सही जाते थे, वो बहुत मोटिवेटेड और एक्साइटेड फील करता था, वो ये सारे काम बहुत आसानी से कर लेता था, उसे ये सब करने में मज़ा आता था। लेकिन कुछ दिन और बीतते हैं और उसकी सो कॉल्ड न्यू हैबिट्स अब उसे ज़रा भी एक्साइट नहीं करती, उसका सारा मोटिवेशन ख़त्म हो चुका होता है। तो शमशेर खुद से ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे कल करूँगा। कल भी वो मोटिवेटेड फील नहीं करता और फिर से खुद से कहता है कि कल करूँगा, और फिर वो कल कल करता ही रहता है और वो अपनी न्यू हैबिट्स को भूल जाता है। सिर्फ शमशेर अकेला नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों नई आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है? एक रीज़न ये भी है कि हम नई हैबिट्स बनाने के लिए बड़े टारगेट सेट करते हैं, तो हमारा माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिजिस्ट करता है। शुरू में तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और हमें सब कुछ आसान लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 घंटे जिम जाना उतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि आपके पास एक इनिशियल मोटिवेशन फोर्स होती है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कुछ दिन 1 घंटे जिम गया हूँ तो अब मैं डेली 1 घंटे जिम जाऊँगा। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी न्यू हैबिट बनने से पहले ही वो इनिशियल मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और फिर वो 1 घंटा हमें बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है और हम फिर जिम स्किप करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसे बंद ही कर देते हैं। तो मोटिवेशन पर डिपेंड होने की बजाय हमें हमारी न्यू हैबिट को रियल हैबिट बनाने पर फोकस करना चाहिए। न्यू हैबिट पर फोकस करने के लिए एक बहुत ही कारगर और आजमाया फॉर्मूला है, 5 मिनट फॉर्मूला। जब आप एक पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करोगे, 1 घंटे मेडिटेट करने की कोशिश करोगे या 5 किलोमीटर भागने की कोशिश करोगे, तो आपके न्यू हैबिट्स काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। ज़्यादातर टास्क जिन्हें आप टालते हो वो असल में मुश्किल नहीं होते, आप उन्हें इसलिए टालते हो क्योंकि आप उन्हें मुश्किल बना लेते हो। 5 मिनट्स फॉर्मूला से आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हो कि जो हैबिट आप बनाना चाहते हो वो मुश्किल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको बस अपनी बड़ी हैबिट्स को 5 मिनट का छोटा वर्जन बनाना है। आपके गोल्स हालांकि 5 मिनट में कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन 5 मिनट में आप हैबिट्स बनाना शुरू कर सकते हो। जब आप एक बार शुरू कर दोगे तो इस पर बने रहना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये बस 5 मिनट की ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो आप 5 मिनट फार्मूला इस्तेमाल करो और बस एक पेज पढ़ो, सिर्फ एक पेज, यानी कि 5 मिनट तक किताब पढ़ो, इसके बाद आप किताब रख दो, लेकिन कम से कम 5 मिनट तक ज़रूर पढ़ो। आपका गोल तो हो सकता है कि आपको वो किताब पूरी पढ़नी है, लेकिन पहले आप शुरुआत तो करो, भले ही बहुत छोटी ही क्यों ना हो। अक्सर लोग ये सोचते हैं, और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि एक पेज पढ़ने से क्या होगा। देखिए, आपकी न्यू हैबिट इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आप उसे नफरत करने लगो। आपने देखा होगा कि डांस में जो मुश्किल स्टेप्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ही की जाती है। इसी तरह आपको अपनी हैबिट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके खुद को ट्रेन करना होगा। शुरू में ही बड़ी छलांग नहीं लगानी है, छोटी छोटी छलांग लगाने की पहले प्रैक्टिस करनी है। जब आप डेली 5 मिनट्स के लिए अपनी न्यू हैबिट्स फॉलो करना शुरू कर दोगे
तो इसके इजी होने की वजह से आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा और आप इसे आसानी से रोज़ कर सकोगे। 5 मिनट फार्मूला के हिसाब से आपके गोल्स थोड़े चेंज हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे राइटर बनना है, हो जाएगा। मुझे बस एक सेंटेंस लिखना है। मुझे फिट होना है, ये हो जाएगा। मुझे बस 5 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। इस तरह से गोल सेट करना आसान है, साथ ही ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये छोटे गोल्स ही आपसे वो काम करने की शुरुआत करवाएंगे। अगर आप एक सेंटेंस नहीं लिख सकते हो तो आप एक किताब लिखने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप 5 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आप फिट होने की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ एक वर्ड्स लिखना या फिर 5 मिनट तक घर में कोई वर्कआउट कर लेना कुछ ना कुछ करने से बहुत अच्छा है। और महत्वपूर्ण तो ये है कि ऐसा करके आप एक हैबिट बना रहे हो। आखिर में जो आप एक सेंटेंस लिख रहे हो वो एक पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से एक चैप्टर बनेगा और चैप्टर से एक किताब बनेगी। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे 5 मिनट टूल को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। काफ़ी पहले मैं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और सभी कामयाब लोगों ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिख डाले हैं उनकी बुक्स में। तो मैंने जोश में आकर दिल्ली बुक फेयर से कई बुक्स खरीद ली। मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ डालूं। इससे हुआ ये कि ये बोरिंग लगने लगा। मैंने पढ़ना कम कर दिया और धीरे धीरे बंद ही कर दिया। तब मैंने ध्यान दिया कि मैंने खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस कर लिए थे और वही मुझे बुक्स पढ़ने से रोक रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि बुक्स तो पढ़ना है, भले ही एक पेज पढ़ूँ। तो मैंने डेली एक पेज से फिर से शुरुआत की। अब मेरा गोल बस एक पेज पढ़ने का था। अब कोई मेंटल रेजिस्टेंस नहीं था। एक पेज पढ़ता था लेकिन बहुत ध्यान से और बहुत समझ के पढ़ता था। एक पेज पढ़ना बहुत आसान था। ये हैबिट बहुत आसानी से बन गई। अब हुआ ये कि मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब एक पेज पढ़ना आसान हो गया तो लगने लगा कि अब और पढ़ना चाहिए। इस तरह से मैं कभी रुका नहीं। और हाँ, कभी ऐसे दिन भी आए जब मेरा दिल एक पेज से ज़्यादा पढ़ने का नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी ये है कि आप 5 मिनट की कंसिस्टेंसी बनाए रखो। तो मैंने भले ही एक पेज डेली पढ़ा हो, लेकिन उन लोगों से तो ज़्यादा ही पढ़ लिया था जो ये कहते रह गए कि एक दिन मैं भी पढ़ना शुरू करूँगा, लेकिन उन्होंने कभी बुक खोली तक नहीं। अल्टीमेटली अगर मैं 5 मिनट्स भी नहीं पढ़ सकता तो मैं एक अच्छा रीडर कैसे बनूँगा? किसी भी हैबिट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसकी शुरुआत होती है, उसका इनिशियल पॉइंट होता है। ये नहीं कि आप वो काम कितनी अच्छी तरह या वो ये कितनी देर तक करते हो, ज़रूरी ये है कि आप उसे कितना कंसिस्टेंसली उसे करते हो। एक सेंटेंस लिखना बिल्कुल ना लिखने से बहुत अच्छा है। एक पेज पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से बहुत अच्छा है। 5 मिनट वर्कआउट करना बिल्कुल वर्कआउट ना करने से बहुत अच्छा है। अगर आप बिना रुके 5 मिनट तक इंटेंस कार्डियो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो आप थक जाओगे। करके देखो। तो पहले तो आपको 5 मिनट से शुरुआत करनी है, बाद में आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का काफ़ी टाइम मिलेगा। न्यू हैबिट बनाना तब और आसान हो जाता है जब आपके साथ एक पार्टनर हो। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाओ और उन्हें चैलेंज करो 5 मिनट्स हैबिट्स। दोनों एक दूसरे को रिपोर्ट करो कि आज अपनी हैबिट पर काम किया या नहीं। ये याद रखो कि अगर आपकी कोई हैबिट है ही नहीं तो आप उसे इम्प्रूव कैसे करोगे। इसलिए बस शुरुआत करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और कामयाब लोगों ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिख डाले हैं उनकी बुक्स में। तो अगर आपको भी नई आदत बनाना है तो उसे 5 मिनट के वर्जन में कन्वर्ट करो। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।